और क्या करेंगे? जितना बुरा आप मेरे साथ कर सकते थे आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इससे बुरा और क्या करेंगे? कुछ भी हो जाए, मैं आपके और दिलशाद आंटी के इस खेल का हिस्सा नहीं बनूंगी। हाँ यार, बस अभी अभी घर पहुंचा हूँ। देखो बहुत थका हूँ, मैं नहीं आ सकता। तुम लोग खुद ही चले जाओ ना डिनर पे, बाद में मुलाकात करते हैं। ओके। किससे बात कर रहे? अच्छा वो अच्छा कि आप आ गए, मैं पता है कब से इंतजार कर रही थी। क्यों, अब क्या हुआ? कोई नया नाटक करने का इरादा है? तुम क्या समझती हो, तुम सोनिया आंटी से जाकर कुछ भी कह दोगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, मैंने तो उनसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा बासित। उन्होंने क्या कहा है तुम्हें? मैं तो सिर्फ उनसे माफी मांगने गई थी। मुझे पता है वो मुझसे नाराज हैं, मैंने उन्हें सिर्फ सॉरी बोला है। लेकिन तुम्हें उनसे माफी मांगनी भी चाहिए थी, और अगर नहीं भी मांगती ना तब भी वो तुम्हें माफ कर देती, क्योंकि वो घर बसाने वाली औरत है, उन्हें रिश्ते निभाने आते हैं। मेरा झगड़ा तो सोनिया आंटी से है ही नहीं, बल्कि मेरा झगड़ा तुम्हारे बाबा से है, जिन्होंने हमेशा मुझे अपने दुश्मन की बेटी समझा है, अपनी बहू तो कभी समझा ही नहीं है। सोनिया आंटी तो बस सिर्फ इस नफरत की जद में आ जाती हैं। हाँ ये अलग बात है कि सोनिया आंटी के लिए तुम्हारी हद से ज्यादा हमदर्दी कहीं मुझे उनका पक्का पक्का दुश्मन ना बना दे। ये मेडिसिन नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, इस मेडिसिन से वो मरेगी नहीं, इससे उसका स्लोली नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देगा। वो पागल भी हो सकती है, ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। और मजे की बात, इस मेडिसिन के असरात जिस्मानी टेस्ट या किसी भी रिपोर्ट में नहीं आएंगे, और इस तरह वो स्लोली मर जाएगी। सोच भी नहीं सकती थी ये लोग दुश्मनी में इतना आगे बढ़ जाएंगे। अंकल ने किस अजाब में डाल दिया मुझे। कौन? भाभी मैं पानू। आ जाओ भाभी, खाना तैयार है, आप आ जाए। मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ। क्या हुआ भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है? सर में हल्का सा दर्द है, रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तो खाना नहीं खाना आपने तो, मैं कॉफी बना के ला देती हूँ। कॉफी नहीं, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हें खुद बता दूंगी, अभी तुम जाओ। ठीक है। परेशान होने से कुछ नहीं होगा, मुझे फौरन कुछ करना होगा।
अम्मी। 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 अम्मी क्या हुआ? अम्मी आंखें खोले। अम्मी 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 मामा क्या बात है? आपने इस तरह मुझे अचानक कॉल करके क्यों बुलाया? सब खैरियत है ना? अमल ये बताओ तुम्हारे और कासिम के बीच में चल क्या रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा मामा। अमल मुझे सच बताओ आखिर बात क्या है? मामा आप भी ना, आप ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन में आ जाती हैं। हाँ मैं हूँ टेंशन में, इतना तो मैं जानती हूँ कि किसी बात को लेकर तुम्हारे और कासिम के दरमियान कुछ बहस चल रही है, मैंने अपने कानों से सुना है। तुम ही बताओ आखिर क्या बात है? आपने कासिम अंकल से नहीं पूछा? देखो अमल बात को टालो मत। देखो तुम ये बताओ मुझे कि आखिर तुम्हारे और जहीन के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही है? मामा ट्रस्ट मी, मेरे और जहीन के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने सॉल्व कर ली है। तुम्हारे और कासिम के बीच में ऐसी कौन सी बात है जिसका मुझे इल्म नहीं है? मामा वो मामा कासिम अंकल। सोनिया तुम यहाँ? मुझे मामा ने बुलाया था। सोनिया मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अमल से तुमने कोई बात नहीं करनी है, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और मेरी बात को ठोकर मार के कर ली ना अपनी जिद पूरी। अंकल मामा को मेरी फिक्र हो रही थी इसलिए वो मुझसे बात करना चाह रही थी। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, सोनिया से बात कर रहा हूं और बेहतर होगा कि तुम यहां से जाओ। सॉरी अंकल, मैं मामा को इस तरह परेशान छोड़कर नहीं जा सकती। अमल बेटा तुम यहां से जाओ, मैं कासिम से खुद ही बात कर लूंगी। तुम्हें लगता है मैं तुमसे अभी भी बात करूंगा सोनिया? आखिर तुमने वही किया ना जो तुम चाहती थी। कासिम आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मामा आप क्यों रो रही हैं? आपके आंसू किसी पर असर करने वाले नहीं हैं। तो प्लीज मत रोए। अमल बेटा तुम यहाँ से जाओ अभी, मैंने कासिम की बात नहीं सुनी और उन्हें नाराज कर दिया। मामा आप हर बात में खुद को कसूरवार क्यों ठहरा लेती हैं? आप ऐसी तो नहीं थी? कुछ भी तो वैसे नहीं रहा ना, तो फिर मैं क्यों ऐसी रहती? लेकिन एक चीज वैसे की वैसी ही है, आज भी तुम्हारी मामा तुम दोनों के लिए पागल ही है। मामा कोई भी बात हुई तो मुझे बताइएगा, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, नसीब से भी नहीं। आप जानती हैं ना कि यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। अमल तुमने फिर भी मुझे सच नहीं बताया। जो सच है वो वक्त आने पर आपको मालूम हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ।
अल्लाह हाफिज़ मामा। पता नहीं किस कर्ब से गुजर रही है मेरी बेटी। या अल्लाह मेरी बेटी की हर मुश्किल में मदद करना। अमल तुम क्या समझती हो, तुम जो भी कहोगी सोनिया सच मान लेगी? मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, ऐसी गलती करने के बारे में सोचना भी मत। सोचने का काम तो मैंने शुरू कर दिया है अंकल, इसलिए आपसे आखिरी बार कह रही हूं, आइंदा मेरी मामा की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, वरना मैं मामा को लेके यहां से चली जाऊंगी। अब हम और आपकी जुर्म नहीं सहेंगे सर। अमल चिल्लाइए मत, क्योंकि अगर मेरी आवाज जरा सी भी ऊंची हुई तो कासिम हाउस में बहुत कुछ बिखर के रह जाएगा। आप लोग क्या खेल खेल रहे हैं सब समझ चुकी हूं मैं। आपने मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर मैंने ज़हीन से शादी ना की तो आप मेरी मामा को छोड़ देंगे। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, अलबत्ता अब मैं जान गई हूं कि आपने मुझे किस मकसद के लिए उन लोगों के हवाले किया था, और जरूरत पड़ने पर मैं ये बात दुनिया को बताने में देर नहीं करूंगी। तुम हो कौन? भूल गई? तुम लोगों को सड़क से उठा के अपने घर में जगह दी, भूल गई हो क्या? तुम दो टके की होकर मुझे धमकी दे रही हो, मुझे? लगता है आपकी मेमोरी बहुत कमजोर हो गई अंकल, क्योंकि अब मैं 2% की नहीं रही बल्कि 60 करोड़ की मालिक हो गई। 60 करोड़ 600 मिलियन मेरा हक मेहर आपने लिखवाया था ना। बहुत जल्द मैं ये पैसे ज़हीन से लेने वाली हूँ, इसलिए आइंदा मेरे और मेरी मामा के बारे में कुछ भी कहने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि अब मैं बेनाम रिश्तों को छोड़कर सड़क पर नहीं रहूंगी। आप और दिलशाद मैडम कैसे एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें मैं सब कुछ मीडिया को बता दूंगी। कैसे आप दोनों रिश्तों और कारोबार में एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं मैं सब कुछ बता दूंगी। बात खुलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए आइंदा बी केयरफुल। रेहान ये लो चाय पी लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया, अगर नहीं खाओगे तो इस तरह तो बीमार हो जाओगे। नहीं मैं नायल, जब तक अम्मी ठीक नहीं हो जाती मैं कुछ नहीं खाऊंगा। रेहान क्यों परेशान हो रहे हो? कहा है ना डॉक्टर्स ने कि सिर्फ मेडिसिन की वजह से गुनोदगी में ठीक हो जाएंगी। अगर तुमने अब भी नहीं पीना तो आंटी के होश में आते ही मैं उनसे शिकायत कर दूंगी कि तुमने कुछ भी नहीं खाया था। ये मेडिसिन एक एक्सपेरिमेंट के लिए यूरोप में बनाई गई थी, ये आपके पास कैसे आई? आप प्लीज पहले मुझे ये बताइए कि ये है क्या? ये एक किस्म का सिलो पॉइजन है जो सिलो सिलो इंसान को दिमागी मरीज बनाता है और फिर उसके बाद वो इस दुनिया से चला जाता है। अमल एडवोकेट परवाना करीम मेरी फ्रेंड है, मुझे उन्होंने ही कहा था कि मैं आपको ये सब बताऊं। देखें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकती हैं। नहीं मुझे बस इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। इट्स ओके, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ये मेडिसिन कहीं यूज ना हो। थैंक यू, मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।
मिल गई फुर्सत तुम्हें? याद आ गया कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं, मेरी ग्रीन टी का टाइम हो गया है, भूल गई तुम? नहीं भूली कासिम। तुम्हारी आंखें तुम्हारी जुबान का साथ नहीं दे रही। मकबूल से कह दिया मैंने, वो ला रहा है आपकी ग्रीन टी। मकबूल लाएगा मेरे लिए ग्रीन टी? क्यों? तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तुम्हें याद तो है ना, आज हमें तारिक साहब की दावत में जाना है। कहा ना तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना। हाँ तबीयत तो खराब होनी ही थी जब तुम अपना सारा वक्त अपनी लाडली बेटी की जासूसी में लगा देती हो। हाँ माँ हूं मैं उस बदनसीब की जिसको आपने अपनी ईगो की भेंट चढ़ा दिया है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने आपकी और अमल की बातें सुन ली थी, छोटी सी उम्र में उस बिचारी पर आसमान गिरा दिया आपने, धमकी दी उसे आपने कि आप मुझे तलाक दे देंगे अगर वो जहीन से शादी नहीं करेगी। बिना कुछ कहे मेरी खुशी की खातिर वो कुर्बान हो गई। क्यों किया आपने उसे? क्या बिगाड़ा था उसने आपका? होश करो सोनिया, मैंने जो कुछ भी किया अमल के भले के लिए किया, वरना वो जेल चली जाती। झूठ कह रहे हैं आप, डराया था आपने मुझे। तुम दिलशाद को नहीं जानती, ये बात ठीक है चंद दिनों के लिए सही, लेकिन वो उसे अरेस्ट जरूर करवाती। और क्या माँ बाप अपने बच्चों के भले के लिए उन पर सख्ती नहीं करते? अब मेरी सख्ती तुम्हें अगर धमकी लगी तो दैट इज योर फॉल्ट। और वैसे भी अमल मेरी बेटी जैसी है, उसे नहीं पता उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। वो आपकी बेटी जैसी नहीं है, अगर आपकी अपनी बेटी होती तो क्या आप उसके साथ ऐसे ही करते जो आपने मेरी बेटी के साथ किया है? अपनी इज्जत बचाने के लिए दिलशाद के सामने उसे कुर्बान कर दिया, क्या कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा करेगा? वो आपकी बेटी हो ही नहीं सकती और ना ही आप उसके बाप। मोर की बीवी है, उसके बावजूद किंजा ने कभी फलक को बर्दाश्त नहीं किया, और मैं तो आपकी बीवी हूँ। तो ये सोच रही हूँ कि जिस दिन किंजा को इस बात की भनक पड़ी तो मेरा क्या हशर करेगी। तैमूर मैंने कुछ नहीं किया। तो भाभी झूठ बोल रही है। भाभी ने वो नेकलेस मेरे दराज से निकाला, वह झूठी औरत है। अमल मुनाहिल तुम सब खैरियत? अमल यहाँ क्या कर रही है? समझ गई, कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है? यकीनन चेकअप करवाने आई होगी। क्या हुआ? हाँ समझो खैरियत ही है। तुम बताओ तुम यहाँ कैसे आई? डॉक्टर से मिलने तो नहीं आई हो? अमल कहीं तुम? अमल रेहान तबस्सुम आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ आंटी को? सब ठीक है? कहाँ है वो? आईसीयू में, डॉक्टर ने कहा है ब्रेन हैमरेज है, अगर 24 घंटे में होश नहीं आया तो। रेहान तुम हिम्मत मत हारो, कहा है ना डॉक्टर्स ने कि आंटी ठीक हो जाएंगी, और मैं दुआ कर रही हूँ ना उनके लिए। आंटी को कुछ नहीं होगा, वो सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, तुम परेशान मत होना। तुम कैसी हो? यहाँ कैसे? सब ठीक है? अमल कहीं मैं खाला तो बनने वाली नहीं हूँ? कोई खुशखबरी में भी? नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मैं किसी से मिलने के लिए आई थी।
रेहान, मैं आंटी से मिल सकती हूँ? देखो प्लीज इनकार मत करना। कमल अम्मी आईसीयू में है, डॉक्टर्स तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। मैं बाहर से ही देख लूंगी। रेहान प्लीज। वहाँ थैंक्स। रेहान, तुमने उसको आंटी के पास क्यों जाने दिया? तुम भूल गए क्या? ये वही अमल है जिसने आंटी का दिल दुखाया था, जिसकी वजह से तुम आज भी तन्हा हो। अनाहिल, सिर्फ अम्मी को देखने गई है वो, हॉस्पिटल है ये, प्लीज। मेरी दुआ है कि आप बहुत जल्द ठीक हो जाएं। मैं जानती हूं कि आप मुझसे नाराज हैं। बहुत दिल दुखाया मैंने आपका। मैं जानती हूं कि मेरी वजह से बहुत टेंशन रही है आपके घर में। मैंने रेहान को भी बहुत परेशान किया है। लेकिन आंटी मेरी बात का यकीन करें, मैंने रेहान के साथ बेवफाई नहीं की, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी मजबूरी थी। मैंने ये शादी इसलिए की क्योंकि मैं अपनी मामा का घर बचाना चाहती थी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। I'm really sorry आंटी। ये आपका दिल दुखाने का ही नतीजा है। आज मैं सब रिश्तों के होते हुए भी खाली हाथ हूं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं चलती हूँ आंटी, जल्दी से ठीक हो जाइएगा। रेहान, आंटी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, तुम परेशान मत होना। इंशाल्लाह। तुम अपना और आंटी का ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। मैं हूं ना रेहान के पास उसका ख्याल रखने के लिए। तुम जाओ, तुम्हारे हस्बैंड वेट कर रहे होंगे। अमर, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मैं चली जाऊंगी, गाड़ी है मेरे पास, तुम ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकती हो तुम? तुम जानती भी हो कितनी खतरनाक मेडिसिन है वो। मैंने कोई मिस्टेक नहीं की, मुझे अच्छी तरह याद है वो मेडिसिन्स मैंने साइड ड्रॉ में रखी थी।
तो भाई कहां गई, कहां गई? ओह माय गॉड, माहा इतना अनटाइडी रूम। तुम्हें नहीं पता कि ज़हीन को अनटाइडी चीजें बिल्कुल भी नहीं पसंद, या फिर मैं ये कहूं कि अब अनटाइडी चीजें ही पसंद है। तुम यहां क्या करने आई हो? तुम्हें कोई एटिकेट्स नहीं है, ऐसे ही मुंह उठाकर किसी के भी कमरे में आ जाओगी? एटिकेट्स भी हैं और तमीज भी है, तभी तो तुम लोगों से बात करने के लिए यहाँ आई हूँ। वरना चाहती तो बात पुलिस स्टेशन में भी हो सकती थी, या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर भी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, चाहती क्या हो तुम? मिस्टर ज़हीन, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने का हक आप बहुत पहले खो चुके हैं, इसलिए अब अपनी बढ़ती हुई प्रॉब्लम सॉल्व करने पर तवज्जो दें, मेरी फिक्र ना करें। तुम्हें क्या लगता है, तुम हमें पुलिस और कोर्ट की धमकियां दोगी और हम डर जाएंगे? नो बेबी, ऐसा नहीं होगा। मैं वार्न नहीं कर रही, बता रही हूँ कि बहुत जल्द तुम दोनों जेल की सलाखों के पीछे होगी, एंड आई स्वेयर ऑन इट। अपनी हद में रहो, चिल्लाओ मत। मुझे एटिकेट सिखाने वाली तुम खुद कौन हो, जो बिना परमिशन किसी की भी जिंदगी में दाखिल हो गई? और बाय द वे, यहाँ पर चल क्या रहा है, कुछ खो गया है, मैं ढूंढ दूँ? तुम कौन होती हो हमसे ये सब पूछने वाली? गुड क्वेश्चन, मैं बताती हूँ। कहीं तुम लोग हाँ ये तो नहीं ढूंढ रहे थे? अच्छा, तो कमरे में तुम आई थी, मेडिसिन वापस दो मुझे। अब तुम लोग क्या करोगे? हाँ, तुम लोगों की प्लानिंग थी कि तुम लोग मुझे जहर दे दोगे, मुझे जान से मार दोगे, और फिर जो चाहोगे वो करोगे, है ना? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, तुम लोगों की जड़ों में बैठी रहूंगी, समझे? धमकी दे रही हो? जाओ, तुम्हें जो करना है ना तुम कर लो। धमकी नहीं दे रही, बता रही हूं, बल्कि फाइनल वार्निंग दे रही हूं कि इस दफा तुम लोगों ने अगर दोबारा कभी भी कोई भी घटिया हरकत करने की कोशिश की तो फिर तुम लोग डायरेक्ट जेल में जाओगे, और वो भी लंबे अरसे के लिए। तुम इस घर से दफा क्यों नहीं हो जाती? दफा हो जाओ यहां से। चली जाऊंगी, पहले मेरे हक मेहर के 60 करोड़ मुझे दे दो, मैं चली जाऊंगी। ओ, तो असली बात जुबान पर आ ही गई। 1 रुपया नहीं दूंगा तुम्हें मैं, समझे तुम? ठीक है, नेक्स्ट टाइम पुलिस खुद आएगी तुम लोगों को लेने। पता नहीं इस मुसीबत से कब जान छूटेगी। कोई ना कोई तो इसका जरूर साथ दे रहा। अचानक इतनी बहादुर कैसे हो गई? और ये सब कुछ 60 करोड़ रुपए के लिए कर रही है। मोहम्मद की वजह से हम सब फंस गए, और किसी तो शो ऑफ ने हमें मरवा दिया। खैर, देख लूंगा इसे मैं। ये लो, दूध पी लो। राफे, मैंने तुम्हारे लिए हॉट चॉकलेट मिल्क बनाया है।
ट्राई करके देखो। थैंक यू सो मच भाभी। मामा मुझे चॉकलेट मिल्क बहुत पसंद है, मैं ये पी लूं। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है तो तुम पी लो। हानिया तुम्हें ये तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, मैं हूं ना ये सब करने के लिए। कोई बात नहीं आंटी, वो पूरा दिन कमरे में बोर हो जाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि राफी के लिए कुछ स्पेशल बना लूं। भाभी ये बहुत मजे का है, थैंक यू सो मच। हाँ अच्छा लगा। अच्छा अब जल्दी से पी लो और अपना होमवर्क कंप्लीट करो। ओके मामा। मैं भी आती। भाभी ये वाला सम देखिए मैंने सही किया। दिखाओ। रेहान आंटी कैसी हैं? उन्हें होश आ गया? नहीं, अमल अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि अम्मी इस हालत में मेरे सामने होंगी और मैं इतना बेबस हो जाऊं, उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे हर गुजरते पल के साथ अम्मी मुझसे दूर होती जा रही है। ऐसा मत सोचो रेहान, इंशाल्लाह आंटी को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। रेहान मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, मैंने झेला है ये दर्द। अपनों को दूर जाते देखने की तकलीफ क्या होती है ये मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। आई मिस यू पापा। कहाँ जा रही हो? मैं राफे के पास जा रही हूँ। पूछ सकता हूँ क्यों? क्या मेरी खामोशी ये बताने के लिए काफी नहीं है कि आपने अच्छा नहीं किया? माना कि आपने हमें रहने के लिए छत दी, लेकिन फिर भी आपको यह हक हासिल नहीं था कि आप मेरी बेटी को अपनी अना की भेंट चढ़ाते। इससे तो अच्छा था कि आप मुझे इस रिश्ते से ही आजाद करते थे। सोनिया तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या कह रही हो? आपने मेरी अमल का एहसास किया? नहीं ना। ये तुमने क्या मेरी अमल लगा के रखी है? हाँ और ये कमरे से बाहर कदम मत रखना, बाहर मुलाजिम है, बासिल है, उन सब के सामने तुम ये क्या साबित करना चाहती हो? मैं किसी को कुछ साबित नहीं करना चाहती, मैं तो बस इतना जानती हूँ दिल के दरवाजे पर दस्तक देने वाले को यूं आजमाया नहीं जाता। लेकिन अगर कोई आजमाइश में डाल दे तो उस पत्थर से दिल लगाया नहीं जाता।
जी ठीक है। डॉक्टर साहब, मेरी मम्मी को होश कब तक आएगा? सॉरी, हमने बहुत कोशिश की मगर हम आपकी वालदा को बचा नहीं सके। प्लीज मत रो रेहान, संभालो खुद को। देखो यही तो अल्लाह ताला का निजाम है, जो दुनिया में आया उसको वापस भी तो जाना। तुमने हमारे घर को क्या समझा हुआ? जब दिल चाहेगा किसी के भी कमरे में जाकर अपना डिटेक्टिव बनने का शौक पूरा करोगी? What is your problem? ओह, तो आपको खबर मिल गई? कान खोल के सुन लो आखिरी बार, अगर इस घर में रहना है ना तो अपनी हुदूद में रहो, वरना वो हशर करूंगी तुम्हारा कि तुम खुद को नहीं पहचान सकोगी। राइट मैंने तो सुना था कि दिलशाद बेगम अपने असूलों की बहुत पक्की है, तो फिर आपके असूल कहाँ गए? I'm so sorry, मैं बिल्कुल भूल गई थी, आप भी तो इनके प्लान का हिस्सा हैं, है ना? What do you mean by that? आपको नहीं मालूम? चलिए मैं बता देती हूँ। Actually माई डियरेस्ट मदर इन लॉ, आपके लाडले बेटे और उनकी लाडली बीवी ने मुझे फिर से जान से मारने की कोशिश की है।